करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आप जहाँ रहें खुश और आबाद रहें। अल्लाह पाक आप सबको ढेर सारी खुशियाँ दे, अपनी फैमिली में हंसता मुस्कुराता रखे। तो इसी नेक दुआ के साथ वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे जितने प्यारे बहन भाई देखने वाले हैं तो वो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो प्यारे वज़ आप देख सकते हैं अभी ना मैं अम्मी अबू के घर आई हुई हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मैं यहीं पे आती हूँ और वीडियो भी बनाती हूँ। तो तहमीना ना अभी मुझे बाहर लेकर आई है और फातिमा भी मुँह धो रही है। और तहमीना ने मुझे यही कहा है कि बस आप बाहर नलके पर आ जाएँ तो मुँह धो के फिर अंदर चलते हैं। पता नहीं आज तहमीना मेरे साथ पता नहीं क्या करने वाली है। तो अभी फिर थोड़ी देर के बाद अंदर भी चलते हैं। फातिमा ने मुँह धो लिया है, अब मैं मुँह धोती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी अबू के सिहन में ना छोटा सा ये दरख्त लगा हुआ है, काफ़ी इनके पत्ते तो सूख गए हैं। तो ऊपर आप देख सकते हैं ये शायद की माखी बैठी हुई है, ये काफ़ी अच्छे से बैठी हुई है। और कल भी तहमीना मुझे कह रही थी, क्योंकि मैं तो ये छोटी माखी है ना इसको उतार लेती हूँ, तो ये मुझे कल भी कह रही थी कि अपना आप ही इसको उतार दें। मैंने आज इसको देखा है और अभी मैंने आप ही से यही कहा है कि इसका ना थोड़ा अभी 2-3 दिन के बाद इसको उतारेंगे, थोड़ा शायद ज़्यादा बना ले तो फिर टाइम लगेगा, इसको फिर उतार के फिर रख देंगे, बच्चों के काम भी आ सकती है, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो अभी हम अंदर भी चलते हैं। साबुन को यहीं रख दें। अभी बस आज काला अम्मी को दुल्हन बना रही है, मैं तो बहुत ही खुश हूँ। मैंने तो अम्मी को पहली बार दुल्हन, मैं आप ही को दुल्हन बना रही हूँ और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी बनेगी। जिस दौर में आप ही की शादी हुई थी ना, कुछ भी नहीं था, मेकअप वगैरह भी नहीं थे, ऐसे बिल्कुल सिंपल सी आप ही दुल्हन बनी थी। रेड कलर का सूट भी नहीं पहना था उस वक्त, तो मैं तो बहुत ही छोटी थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप ही की शादी होगी, आप ही दुल्हन बन गई। आज मैं खुद दुल्हन बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जब इसकी बेटियाँ देखेगी और इसका जब हस्बैंड देखेगा तो और भी ज़्यादा खुशी होगी, वो तो हैरान ही रह जाएगा आज देख के आप ही को। माशाल्लाह से मैंने ये सेट वगैरह सब कुछ पहना दिया है। अभी तो मैं मेकअप कर रही हूँ, क्योंकि मेकअप कर दुल्हन बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं मेकअप जब कर लूँगी तो माशाल्लाह से वो भी बहुत प्यारा लगेगा। और जब मेरे बहन भाई आएंगे ना, वो तो देख के हैरान रह जाएंगे। मैं उसे भैया बुलाती हूँ तो वो कहेंगे आज आपने मेरी बेगम के साथ क्या कर दिया है।
बस आज मुझे ना बच्चों ने और मेरी जो तहमीना ने इन्होंने ना तो मुझे बताया भी नहीं, और मुझे कह रही थी कि आप मुंह धोकर अंदर चलें, तो यही अब सरप्राइज़ था, क्योंकि सरप्राइज़ तो और भी है। तो इन्होंने ना फातिमा के जो अबू है ना उनको भी बच्चों की ख्वाहिश थी कि आप जब दुल्हन बनी थी आपकी ना कोई पिक्चर है, ना कोई तस्वीरें हैं, ना कुछ भी नहीं है। तो मैं तो नहीं बन रही थी दुल्हन, मैंने तो कहा मैं नहीं बनती, मगर बच्चों की आखिर जिद थी तो मैंने सोचा चलो आप वैसे ही मुझे दुल्हन तो बना रहे हैं तो मैं अपने प्यारे व्यूअर्स से भी शेयर कर लेती हूँ। दुल्हन तो आप लोगों ने मुझे वैसे ही भी बना दिया है तो सोचा मैं आप लोगों से भी शेयर कर लूँ। तो आज की वीडियो में आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो अभी ना फातिमा के अब्बू भी आने वाले होंगे तो वो भी आ जाएंगे। देखो तो फातिमा आए हैं, फातिमा जाकर देखो आए हैं कि वो नहीं आए, वैसे हमारा सरप्राइज यहीं तो नहीं रह जाएगा। आप लोगों को सरप्राइज़ कह रहे थे तो वो सरप्राइज़ हमारा अब खुल चुका है, क्योंकि फातिमा ने अपने अबू की आंखों में पट्टी बांध कर, ये फातिमा आप खोल दो पट्टी, तो अभी फातिमा पट्टी भी खोल देगी। तो ये हमारा सरप्राइज़ था। तो आज बच्चों ने मुझे दुल्हन बना दिया है, तो मैं तो नहीं बनना चाहती थी, मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि फिर बच्चे ज़िद कर रहे थे और ये भी काम पे गया हुआ था। आज शुएब भी देखो नहीं है, वो ना क्रिकेट खेलने चला गया है, वो कहता है एक दिन तो खेलने के लिए मिलता है मुझे, वो भी मैं ना खेलूँ, तो इसलिए वो भाग के चला गया है, उसे पता भी नहीं था कि आज हम क्या कर रहे हैं। तो वो अगर हमारे साथ होता तो और भी ज़्यादा खुश होता। हमारी दुल्हन ना इतनी बोलती है, देखो अब बच्चों ने जिद करके दुल्हन बना ही दी है तो फिर बोलूं भी ना और क्या करूं। नहीं भैया को कैसे लगी हमारी दुल्हन? उसे तो जब से शादी वैसे बहुत ज़्यादा प्यारी लगती, लेकिन आज तो कुछ ज़्यादा ही प्यारी, इसलिए खामोश हो गया, कुछ लफ्ज ही नहीं आ रहे बोलने के लिए, आज खामोश हो गया दुल्हन को बनाने। भैया ना बहुत ही खामोश हो गए, वो ना मुझे लगता है खुद देख के सरप्राइज जो हमारा था ना वो देख के हैरान रह गया है कि 15 दिन के बाद मैं आया हूँ ना अपनी वाइफ को उसे दुल्हन बनते हुए देखा पहली बार। जब मेरी आपी की शादी हुई थी ना, आपी दुल्हन नहीं बनी थी, बस ऐसे सिंपल से कपड़े थे और ले गए थे बस आके, उस टाइम ना ये मेकअप वगैरह ये कुछ भी नहीं होता था। आज तो माशाल्लाह से जब दुल्हनें बनती हैं तो कितने उनके ख्वाब होते हैं, पहले पार्लर जाती हैं, फिर तैयार होती हैं, फिर आती हैं, लेकिन इसे तो मैंने खुद तैयार कर दिया है बच्चों की खातिर, तो माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है। और मेरे भैया तो वैसे खामोश हो गए हैं आप ही को देख के, हैरान रह गए हैं ना। तहमीना भी और फातिमा भी ये सब उन्होंने कह दिया तो मैं मान गई और मैंने कहा चलो ठीक है। तहमीना ने मुझे आज इतना ज़्यादा प्यार किया और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब मेरी खुद की जब पहले शादी हुई थी ना तहमीना बहुत ज़्यादा छोटी सी थी, उसे पता भी नहीं था कि मेरी शादी हो रही है कि नहीं हो रही है। आप देख रही हैं, आज तूने ये क्या, आज तो हद कर दी, ये तूने क्या किया, आज बच्चों की प्यारी लग रही है ना इसलिए, इसे पता भी नहीं था सरप्राइज था ना इसलिए। आज का सरप्राइज आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़ा आया है। तो आप लोगों को भी ये वीडियो देख के अच्छा लगेगा तो एक अच्छे भी लोग के साथ फिर हाजिर होगी आप ही, क्योंकि आप ही तो दुल्हन बनी है इसके लिए अब मैं कह रही हूँ ना, तो एक अच्छे भी लोग के साथ फिर हाजिर होगी। जितने इसके प्यारे बहन भाई है हमारे हैं तो देखने वाले उन सब के लिए मैं बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ कि वो जहाँ रहे खुश रहे आबाद रहे, अपनी फैमिली में हंसता मुस्कुराता रखे, एक अच्छे भी लोग के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।